लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली में रात भर बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। झारखंड में कल से होगी झमाझम बारिश। नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में रात में हुई बारिश के बाद शनिवार को दिल्ली वालों की सुबह बेहद खुशनुमा रही। तापमान में गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि न्यूनतम तापमान सुबह 8:30 बजे सामान्य से 2 डिग्री कम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में आर्द्रता का स्तर 89% दर्ज किया गया। सफदरजंग वेधशाला में रात भर 53.6 मिमी और पालम वेधशाला में 21.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक ने आज दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगह पानी भरने और जाम लगने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानिए अन्य राज्यों के मौसम का हाल। 14 जून को छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। 15 जून को झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। 16 जून को मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। 17 जून को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है।